क्यू को इम्प्लीमेंट करने का जो हमारे पास तीसरा मेथड है उसके ये कुछ स्टेप्स हैं, जब हम फॉलोअप करेंगे तो हमारे पास क्यू जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जो स्टेप वन है वो हमें क्या कहता है कि हमने कॉपी करना है सिंगली लिंक्ड लिस्ट का कोड और उसको यहाँ पेस्ट करना है। तो स्टेप वन से टू कॉपी द कोड ऑफ लिंक लिस्ट सी तो डी। अभी जो मेन के अंदर चीज़ें हैं ये हमें नहीं चाहिए तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और हम ऊपर आ जाते हैं। ओके तो हमने क्या करना है कि एक नई क्लास बनानी है जिसका नाम क्यू है, उसको ऐड कर देना है सिंगल लिंक लिस्ट के साथ। तो हमारे पास एक क्लास है क्यू की विच एक्सटेंड्स फ्रॉम सिंगल लिंक लिस्ट, और ये जो था ये हमारे पास आ गया स्टेप टू। स्टेप थ्री में हमने क्या करना है, हमने एंट्री का फंक्शन बनाना है और उसके अंदर ऐड ऑन टेल वाला फंक्शन कॉल कर देना है। तो यहाँ पे हमने पब्लिक वॉइड एन क्यू इंट डेटा और यहाँ पे हमने ऐड ऑन टेल वाला फंक्शन जो है कॉल कर लिया। So this is our step 3 and this is our step 3A. Okay, चलिए चलते हैं। उसके बाद हमने डी क्यू का फंक्शन बनाना है, इसमें रिमूव फ्रॉम हेड कॉल कर देना है। ओके पब्लिक एंड डी क्यू स्टेप फोर आ गया हमारे पास और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया रिमूव फ्रॉम हेड को और ये हो गया हमारे पास स्टेप 4A। ओके जी स्टेप 5 क्या है, प्रिंट क्यू का फंक्शन बनाना है और उसमें प्रिंट लिस्ट को कॉल कर देना। वेरी सिंपल पब्लिक लिखना पब्लिक वॉइड प्रिंट क्यू स्टेप 5 और यहाँ पे हमने प्रिंट लिस्ट का जो फंक्शन है उसको कॉल कर दिया और ये हो गया हमारे पास स्टेप 5A हो गया। मेन में जाते हैं, हम क्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे क्यू के नाम से, इसको हमने न्यू कर दिया क्यू। चलिए अब क्यू के थ्रू हम एन क्यू करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया 26, फिर हम एन क्यू करवाएंगे 13 और उसके बाद हम एन क्यू करवाते हैं 46 और उसके बाद हम एन क्यू करवाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम क्यू को प्रिंट करवाते हैं और उसके बाद हमारे पास जो है मैसेज प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LM और स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम न्यू लाइन पे आएंगे और हम लिखेंगे रिमूव एलिमेंट स्पेस फिर प्लस और फिर ओ पीछे क्यू डॉट डी क्यू वाला फंक्शन आ गया। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे क्यू को जस्ट टू मेक श्योर के वाकई ही जो हमने ऐड और मूव किया वो काम हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा जी अब हम इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे आके, इसको रन किया और हाँ जी जी हमारे पास शुरू में था 26 फिर 13 फिर 46 और फिर 4। हमने जब डी क्यू किया तो हमारे पास स्टॉप वाली वैल्यू रिमूव हो गया, हमारे पास 13 46 4 आ गया।